अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मसाला न्यूज़। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ मोहम्मद एहतशामुद्दीन के बारे में। ये कौन है, इनकी फैमिली में कौन कौन है, आइए मुकम्मल डिटेल्स जानते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल मसाला न्यूज़ पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि शोबे से आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। व्यूवर्स, मोहम्मद एहतशामुद्दीन ना सिर्फ डायरेक्टर हैं बल्कि प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और एक्टर भी हैं, और ये अदाकार पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक रखते हैं। ये 22 नवंबर 1965 को कराची में पैदा हुए। बात करते हैं सबसे पहले इनकी फैमिली के बारे में। तो व्यूवर्स, ये हैं इनकी अहलिया जो कि काफ़ी सादा सी हैं और शोबिस से ताल्लुक नहीं रखती। इसके साथ साथ आप इनके ये क्यूट सी इनकी बेटी के साथ भी तस्वीर देख सकते हैं। इसके साथ साथ व्यूवर्स मजीद बात करते चलें इनकी ड्रामास की, तो ये ड्रामा सदके तुम्हारे को इन्होंने डायरेक्ट किया था। बहुत से ड्रामास को इन्होंने डायरेक्ट भी किया और प्रोड्यूस भी। और बात करें इनके एक्टिंग की, तो ये ड्रामा काबली पुलाव, फिल्म द मस्तम, इसके साथ साथ सुपरस्टार, ख्वाब टूट जाते हैं और जुर्म ड्रामे में रिसेंटली इन्होंने एक्टिंग की, जहां इनकी एक्टिंग को बेहद पसंद भी किया गया। मजीद बात करते हैं व्यूवर्स इनकी तालीमी काबिलियत की, तो इन्होंने फिल्म मेकिंग में ही बैचलर्स मुकम्मल किया और फिल्म मेकिंग में बैचलर्स मुकम्मल करने के बाद इन्होंने एज अ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर शोबिज को ज्वाइन किया था। और व्यूवर्स, इनको ड्रामा काबली पुलाव में इनकी एक्टिंग को इतना पसंद किया गया कि इनको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, और ये बात इन्होंने जो है साबित कर दी कि अदाकारी सिर्फ हैंडसम होने की वजह से नहीं होती, अदाकारी जो है वो एक वाकई ही एक टैलेंट है, और इन्होंने वो टैलेंट ड्रामा काबली पुलाव में दिखाया भी। व्यूवर्स, आपको इनका कौन सा ड्रामा जो है आपका फेवरेट है, कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद बात करते हैं इनकी फिजिकल अपेयरेंस के बारे में। तो इनकी हाइट 5 फुट 8 इंच, इनका हेयर आई कलर ब्राउन, जबकि इनकी कम्प्लेक्शन फेयर है, इनका फेवरेट कलर ब्लैक, इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन पाकिस्तान, इनकी हॉबी शॉपिंग करना, ट्रैवल करना, राइटिंग करना है। तो व्यूवर्स, ये थे मोहम्मद एहतशामुद्दीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसके साथ साथ मेरे चैनल मसाला न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मजीद अपडेट्स के लिए। तो मैं मिलूंगी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह निगहबान।